हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो एडवांस मैथ्स का पोर्शन आता है उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने SSC की क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, एक एक करके देखिए हमने सभी टॉपिक्स को, चाहे वो क्वांट के हो, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के, उसके कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने कोई वीडियो मिस कर दिया है तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, और आने वाले अपकमिंग वीडियोज के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के डिस्कशन को। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो मैं आपके साथ ला चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी देख लेना। वहां पे हमने बेसिक कंसेप्ट जो है वो ज्योमेट्री टॉपिक के कवर किए। और यहाँ तक देखिए इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की बात है, क्योंकि मैंने आपको कहा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर अगर बात करूँ कम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक SSC, रेलवे या जो बाकी हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर ज्योमेट्री पोर्शन में से क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखेंगे अगर मैं जैसे पर्टिकुलरली बात करूँ SSC के एग्जाम्स की, क्योंकि आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके CGL एग्जाम में जो Tier 1 का होता है उसमें आपको आउट ऑफ 25 क्वेश्चन जो है वो 2 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक में से देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जबकि Tier 2 के अंदर 8 से 12 क्वेश्चन आपको, अगर Tier 2 के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर देखिए 100 में से अगर आपको 8 से 12 क्वेश्चन और 25 में से 2 से 4 क्वेश्चन अगर एक ही टॉपिक में से देखने को मिल रहे हैं, तो अपने आप में देखिए आपको इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ आ गई होगी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको एज लेना है बाकी स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में, तो आपको इस टॉपिक के अंदर जो है अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इसमें अगर आपको एज लेना है, लीड लेना है बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, तो आपको इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को भी जरूर देखें जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में इसमें से फ्रेम होते हैं, ठीक है। और आपको ज्योमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर आपका लाइन्स एंड एंगल्स का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ट्राइंगल्स का, क्वाड्रिलेटरल का, सर्कल्स का, पॉलीगंस का, ठीक है। तो लाइंस का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपके साथ पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आज मैं आपके साथ एंगल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और आने वाले वीडियोस में ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और पॉलीगन का कंसेप्ट भी कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए एक कंफ्यूजन या एक मैं कहूंगा मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों को रहती है, कि वो क्या करते हैं इसके सारे फॉर्मूलाज को याद कर लेते हैं और उनको लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूलाज से आपके जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो देखिए सोल्व हो जाएंगे, जो एक आध दो तीन क्वेश्चन ही रहते हैं, जैसे अगर 12 क्वेश्चन आ रहे तो 2-3 क्वेश्चन ईजी रहेंगे, लेकिन बाकी के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी देखिए आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और सिर्फ सोल्व करना एक चीज है और जल्दी सोल्व करना, क्योंकि देखिए आपका लिमिटेड टाइम होता है और आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी आप इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा तक, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एंगल, आपको पता है एंगल कब फॉर्म होता है, जब दो स्ट्रेट लाइंस अगर किसी पॉइंट पर मीट करें, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट, वहां पे एक हमारा एंगल फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे आपको दो स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही होंगी, AB और AC, तो ये यहाँ पे आपको देख रहा है कि ए पॉइंट पे यहाँ पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा ये एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। ये देखिए ये हमारा एंगल CAB फॉर्म हो गया। तो जब कभी भी दो स्ट्रेट लाइंस आपस में कहीं पर मीट करते हैं तो वहां पे हमारा एक एंगल फॉर्म होता है। तो जैसे मैं आपको बताया AC और AB, यहाँ पे हम उन्हें क्या कहते हैं, आर्म्स, और जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। तो A हमारा यहाँ पे वर्टेक्स है, क्योंकि ये जो AB और AC लाइन है ये मीट कहाँ कर रही है, A पॉइंट पे। तो A हमारा वर्टेक्स हो गया, यहीं पे एंगल भी फॉर्म हो रहा है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। तो देखिए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एक्यूट एंगल, यानी अगर एंगल का जो मेजर है या उसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। यानी अगर हमारे एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो तो हम उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। यानी यहाँ पे थीटा जो हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसकी वैल्यू 0 से तो देखिए ज्यादा हो, क्योंकि वो वैसे 0 से तो ज्यादा ही होगा तभी हमारा एंगल फॉर्म होगा। तो 0 से अगर ज्यादा है और 90 से अगर कम है तो हमारा कैसा एंगल फॉर्म होता है, एक्यूट एंगल, यानी थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा और 90 से कम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है राइट एंगल, जब बिल्कुल जो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री हो जाए, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला तो देखिए आप खैर इसे इग्नोर करें, ये पीछे वाला ही स्लाइड का है ये, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट कितनी होती है, 90 डिग्री। तो आपको 90 डिग्री के बारे में खैर पता ही है, क्योंकि हम जो पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल ही ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री वो हमारा राइट एंगल है। अगर 90 डिग्री से वैल्यू कम हो तो हमारा वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। और अगर अगर बात करें ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूस एंगल में बेसिकली क्या होता है, हमारा हुज मेजर इज मोर देन वन राइट एंगल,
एंड लेस देन टू राइट एंगल्स, यानी थीटा की वैल्यू जो है 180 से कम हो और 90 से अगर ज्यादा है तो वो हमारा क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ठीक है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ 90 से तो ज्यादा है लेकिन 180 से कम है। तो ये देखिए इस नीचे वाले पॉइंट को खैर आप इग्नोर करना यहाँ पे भी, तो थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा और 180 से कम तो वो हमारा क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। फिर हमारा आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल, जब हमारा थीटा की वैल्यू जो है वो 180 से तो ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो तो वो हमारा रिफ्लेक्स हो जाता है। ठीक है, यानी 180 से ज्यादा और 360 से कम तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। देन अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स इज वन राइट एंगल, यानी अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री बन रहा है तो वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। यानी अगर दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, तो अगर एक एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली बात है दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, सप्लीमेंट्री की अगर बात करें तो दो एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब उसका सम 180 डिग्री हो। ठीक है, अगर देखिए अगर एक 130 डिग्री है तो दूसरा ऑब्वियसली बात है 50 डिग्री होना पड़ेगा तभी हमारे वो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है ना, तो अगर एक को हम थीटा मानते हैं तो दूसरा अपने आप 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी देखिए, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, तो अगर एक थीटा है तो दूसरा ऑब्वियसली बात है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और सप्लीमेंट्री का मतलब जब सम 180 डिग्री हो। तो इन दो एंगल्स की भी बात कर ली। देन हम बात कर लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। जब कोई दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे तो जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यानी यहाँ पे जो हमारा एंगल एओडी फॉर्म हो रहा है, ये जो हमारा यहाँ पे एंगल एओडी फॉर्म हो रहा है और एंगल सीओबी, ये हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इनकी वैल्यूज जो है वो इक्वल होंगी। यानी अगर एंगल एओडी 60 डिग्री है तो एंगल बीओसी भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अगर दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे तो हमारे अपोजिट एंगल्स जो फॉर्म होते हैं, द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और उनकी वैल्यूज भी इक्वल होती है। वैसे ही जो हमारा यहाँ पे एंगल एओसी फॉर्म हो रहा है ये वाला और एंगल बीओडी, इनकी वैल्यूज भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो अगर एक नाइन अगर एक 70 डिग्री है तो दूसरा भी 70 डिग्री हो जाएगा, तो वर्टिकली अपोजिट हो गए। एडजेसेंट की अगर बात करें तो दो एंगल्स हमारे एडजेसेंट कब होते हैं, अगर उनकी कॉमन एक वर्टेक्स हो, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। जैसे यहाँ पे हमारा वर्टेक्स कॉमन है ए, ठीक है, और कॉमन आर्म हो, जैसे यहाँ पे हमारे कॉमन आर्म कौन सा है, एडी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो, एक आर्म क्या है, एडी कॉमन है, एक बार इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा ए, और जो एडी आर्म है वो कॉमन है, तो इनके बीच में जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं यानी एंगल डीएबी, ठीक है, एंगल डीएबी और एंगल सीएडी, ये हमारे क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। तो इसके लिए आपका वर्टेक्स और आपका आर्म एक कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला एक एंगल, ये और एक ये, जिसे मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमारे क्या है, एडजेसेंट है। फिर अगर बात करें अगर एंगल्स जो फॉर्म होते हैं ट्रांसवर्सल की वजह से, अब देखिए दो लाइन है और उसके बीच हमने ट्रांसवर्सल लगा दिया, ट्रांसवर्सल लाइन, जैसे यहाँ पे आपको ये एन लाइन दिखाई दे रही होगी, लेट एल एम एंड आर टू लाइन, और एन जो है हमारा यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनके बीच में रिलेशन, अगर ये एल और एम जो लाइन अगर पैरेलल हो, अगर एल और एम लाइन जो हमारी अगर पैरेलल हो जाए तो उस केस में जो रिलेशन फॉर्म होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो नॉर्मल अगर लाइंस है एल और एम, सो एंगल्स दैट लाई ऑन द सेम साइड एंड इन सेम पोजीशन ऑन ट्रांसवर्सल लाइन आर कॉल्ड करस्पोंडिंग एंगल्स। यानी हमारे यहाँ पे करस्पोंडिंग एंगल्स कौन कौन से हो गए, 1 और 5। यानी ये देखिए आपको इस लाइन के जस्ट ऊपर 1 दिखाई दे रहा है ना, तो वैसे इस एम वाली लाइन के जस्ट ऊपर कौन सा एंगल है, 5, तो ये हमारे करस्पोंडिंग एंगल्स हो गए। वैसे ही 2 और 6, अब आपको देखिए 2 जो है वो इस साइड राइट साइड में दिखाई दे रहा हुआ एल लाइन के जस्ट ऊपर, तो वैसे ही एम लाइन के जस्ट ऊपर राइट साइड में क्या है, 6 है, तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। वैसे ही 4 और 8, अब देखिए जो 4 है वो एल लाइन के जस्ट नीचे है, वैसे तो एम लाइन के जस्ट नीचे क्या है, 8, तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग हो गया। वैसे ही एल लाइन के जस्ट नीचे 3 है, तो एम लाइन के जस्ट नीचे 7 है, तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग हो गए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, और यहीं पर अगर देखिए दोनों लाइंस पैरेलल हो एल और एम, सो इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यानी अगर एल और एम लाइन पैरेलल होती तो हमारा एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होता है, एंगल 2 जो है वो 6 के इक्वल होता है, 4 जो है वो 8 के, और 3 जो है वो 7 के। तो ये पैरेलल के केस में है, ये ध्यान रखना।
वैसे ऑल्टरनेट क्या होते हैं, एंगल्स लाइंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे भी एल और एम हमारी दो लाइंस है और ट्रांसवर्सल है बीच में एन, ठीक है। तो अब हमारे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हो गए, एंगल 3 और 5, ये और ये हमारे ऑल्टरनेट हो गए, ये इंटीरियर है अंदर की तरफ एल और एम लाइन के बीच में। वैसे 4 और 6 ये भी क्या है, अंदर है, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर बात करें एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में, तो ये देखिए बाहर की तरफ है 1 और ये है 7, तो ये हमारा एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो गया, और दूसरा 2 और 8, ठीक है। तो ये हमारे इंटीरियर ऑल्टरनेट और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। और ये आपको ध्यान रखना है, इस केस में भी अगर आपकी ट्रांसवर्सल लाइन जो है अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, यानी हमारा एम और एन अगर यहाँ पे, एल और एम अगर यहाँ पे हमारा पैरेलल होते दोनों, तो हमारे यहाँ पे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल 3 एंगल के 5 के इक्वल होता है और एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, हमारा जो ये दो लाइन्स है एल और एम वो पैरेलल होने चाहिए थे, और फिर अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ये रिलेशन हमारे ट्रू रहते हैं। फिर मैं आपको इंटीरियर एंगल के बारे में बता देता हूँ कि एंगल्स विच लाइज इन बिटवीन द लाइन्स एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। यानी एंगल 3 और 6 ये अंदर ही अंदर, एंगल 3 और एंगल 6, वैसे एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 8, वैसे एंगल 2 और एंगल 7। तो इस केस में भी देखिए वही है कि अगर हमारा ये लाइन अगर एल और एम पैरेलल होती तो एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होता है, एंगल 4 की वैल्यू एंगल 5 के, एंगल 1 की एंगल 8 के, और एंगल 2 के एंगल 7 की। ये क्या है, हमारे इंटीरियर एंगल है। सो एंगल विच लाइज बिटवीन द लाइन एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आपको देखिए इसमें फर्क पता चल जाएगा, मैं भी आपके साथ एक बार पीछे की तरफ सारे स्लाइड्स को एक बार रोटेट करके रिवाइज कर लेंगे जो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, क्योंकि जल्दी से गो थ्रू किया है। और आखिरी में हमारा है कि अगर दो ट्रांसवर्सल लाइन, अभी तक देखिए हम एक ट्रांसवर्सल लाइन का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, अगर दो ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तीन पैरेलल लाइंस को, तीन पैरेलल लाइंस हमारी यहाँ पे क्या है, एल एम और एन, और वो हमारे दो ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है पी क्यू और आर पॉइंट पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं पी क्यू और आर पॉइंट, और दूसरा जो ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एस टी और यू पॉइंट पे, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन फॉर्म यहाँ पे होता है, ये आप नोट डाउन कर ले, जो पी क्यू अपॉन क्यू आर का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, एस टी अपॉन टी यू के। ये हमेशा याद रखना, ये रिलेशन हमेशा ट्रू रहता है, लेकिन कब, अगर ये हमारी तीनों लाइन पैरेलल हो, एल एम और एन, और दो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हो इस तरीके से, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर का जो वैल्यू है वो एस टी अपॉन टी यू के इक्वल होगा। तो ये कुछ देखिए बेसिक कंसेप्ट था एंगल से रिलेटेड। और सो आने वाली वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे एक तो सर्कल्स का कंसेप्ट, इसके बाद जो है पॉलीगन का, रेक्टेंगल्स का, और क्वेश्चंस को देखिए फिर डिस्कस करेंगे एक साथ, क्योंकि देखिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है डिस्कस करना। लाइंस का मैंने आपके साथ ऑलरेडी कर लिया है, एंगल्स का यहाँ पे कर लिया, और अब हम आने वाली वीडियोस में सर्कल्स का, ठीक है, मैंने आपको बताया, इस एक एक करके सारे कंसेप्ट कवर करके फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपको नोट डाउन जरूर करना है ताकि जब हम एक साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, पीछे की तरफ हमने जो जो चीजें पढ़ी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया ट्रांसवर्सल के बारे में, अगर तीन पैरेलल लाइंस हैं और दो ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये रिलेशन हमेशा ट्रू रहता है। फिर मैंने आपको बताया इंटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, अगर एंगल्स लाई कर रहे हैं बिटवीन द लाइंस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी एंगल 4 और एंगल 5 आपको एल और एम के बीच में दिखाई दे रहा होगा, सेम साइड पर है, ठीक है, वैसे एंगल 3 और 6 एल और एम लाइन के बीच के अंदर है और सेम ही साइड पे है, वैसे एंगल 1 और 8 और 2 और 7, और अगर ये एल और एम लाइन पैरेलल हो जाए तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। फिर मैंने आपको ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में बताया, जो रिलेशंस फॉर्म हो रहे हैं अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वल हो जाएंगे। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में मैंने आपको बताया, करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, अगर एंगल्स लाई कर रहे हैं सेम साइड पे और सेम पोजीशन पे, पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, आप करस्पॉन्डिंग और इंटीरियर में आपको यहाँ पे फर्क पता चल जाएगा। तो एंगल 1 और एंगल 5 के बीच में जो रिलेशन है, 4 और 8 के बीच में, 2 और 6 और 3 और 7, तो यहीं पे अगर लाइंस पैरेलल होती है तो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये तो बेसिक है, खैर। फिर एडजेसेंट एंगल्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब फॉर्म होते हैं, जब कभी भी दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पे तो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो एंगल्स का सम 90 हो, सप्लीमेंट्री एंगल्स जब दो एंगल्स का सम 180 हो, रिफ्लेक्स एंगल जब थीटा की वैल्यू 180 से ज्यादा और 360 से कम हो, ठीक है। इसको खैर इग्नोर करना, जो नीचे थीटा की वैल्यू गिवन है, वैसे ऑब्ट्यूस एंगल के केस में थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा और 180 से कम, राइट एंगल के केस में एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू 90 और एक्यूट के केस में 0 और 90 के बीच में, ठीक है। और एंगल कब फॉर्म होता है, मैंने बताया, जब कभी भी दो स्ट्रेट लाइंस मीट करे किसी पॉइंट पे तो हमारा एंगल फॉर्म होता है। तो
ये था देखिए ज्योमेट्री का हमारा बेसिक कंसेप्ट, लाइंस का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, उसकी वीडियो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। एंगल्स का कंसेप्ट आज डिस्कस किया, और आने वाले वीडियोस में एक एक करके सर्कल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन सबका करेंगे। तो आपको देखिए हमारे साथ बने रहना, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग भी जरूर विजिट करें। वहाँ पे आप 1 साल का 6 महीने का पूरा कोर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे SSC, बैंकिंग, रेलवे सारे एग्जाम्स कवर्ड है। पूरा आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, लाइव क्लासेस भी रहती हैं, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब आपको मिलेगा। तो वेबसाइट जरूर विजिट करें तक्षशिलालर्निंग.com। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। Thank you.